Opening and closing of stomata. Most of us will get confused when do the stomata open and when do they close. And if the stomata get open, how does it get open? Yes. Hello everyone, this is me Yachika and welcome to Education Hits. Today we will learn all the complete process about when opening and closing of stomata. Okay, let's start. Opening and closing of stomata. Pehle stomata kya hota hai? In the previous video we have studied, but still let's look on this. Stomata, it consists of kidney shaped guard cells. Kidney shaped guard cells. And in the guard cells, in the center, nucleus is there, and this is known as chloroplast. This is chloroplast, and this is nucleus. And in this diagram, you might have seen this opening. This center opening is known as stomatal pore. Stomatal pore. ठीक है? अब कुछ चीजें हैं सुनने के लिए. अब ध्यान से सुनना है बात को. कोई भी सेल है, हमारे पास कुछ चीजें होती हैं रिमेम्बर करने के लिए जब भी हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पढ़ते हैं. कुछ टर्म्स जैसे टर्जिड, फ्लैसिड, ओके. दीज टू टर्म्स वी नीड टू रिमेम्बर एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज व्हेन वी विल राइट अबाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बिकॉज दिस प्रोसेस इज मेनली आस्क्ड इन एग्जाम्स एंड क्वेश्चन कम्स फॉर 4 to 5 मार्क्स फ्रॉम दिस पार्ट. ओके, स्टार्ट. What is turgid? What is turgid state of a cell? What is turgid state of a cell? Turgid condition क्या होती है? Suppose करो कि plant है. अगर हम plants को पानी ना दें, तो by the evening उनकी जो leaves होती हैं, they droop start. Leaves wilt हो जाती हैं. Why? Because water का content नहीं मिला. तो इसलिए leaves मुरझा जाती हैं. जैसे ही हम पानी डालते हैं, हम नेक्स्ट डे देखते हैं लीव्स जो है वो अच्छे से दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन. व्हाई दिस हैपन? होता क्या है कि जैसे ही प्लांट्स रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, ऊपर तक ले जाती हैं लीव्स के पास, तो लीव के अंदर जब भी कंटेंट वाटर इन द डिफ्यूज होता है, सडन आयंस सॉल्यूट्स जब अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं, तो लीव अपनी फुल्ली डिस्टेंडेड स्टेट में आ जाती है. तो ये जो कंडीशन होता है कि लीव जैसे मुरझाई हुई है, पूरी फुल्ली डिस्टेंड हो चुकी है, इस स्टेट को हम बोलते हैं टर्जिड स्टेट. टर्जिड स्टेट मींस फुल्ली डिस्टेंडेड स्टेट. फुल्ली डिस्टेंडेड स्टेट. ओके, सेकंड टर्म, व्हाट इज फ्लैसिड? फ्लैसिड स्टेट क्या होती है? सपोज करो कि मैंने प्लांट्स को पानी नहीं दिया बहुत टाइम तक, तो जो लीफ ऐसी थी वो इसे मुरझा जाएगी. जब ये लीफ मुरझा जाएगी तो उसके अंदर के जो सेल होंगे वो भी अंदर मुरझा जाएंगे, वो भी श्रिंक हो जाएंगे. मतलब उसके अंदर का जो भी पानी है वो दिन में ट्रांसपिरेशन से लूज कर दिया, फिर हमने पानी तो दिया नहीं, अब वो क्या कर दिया, श्रिंक हो गया. इस श्रंकन स्टेट को, ये श्रंकन स्टेट होती है, इसको हम बोलते हैं फ्लैसिड स्टेट. द श्रंकन स्टेट इज कॉल्ड फ्लैसिड स्टेट. श्रंकन स्टेट of cell is called flaccid state. Okay, now अब देखो, suppose that this is the leaf. Okay, leaf के अंदर होते हैं guard cells. Leaf के पास present होता है, हमें पता है stomata क्या है. This is the leaf. Stomata are the minute opening which are present on the lower epidermis of the leaf, जो lower layers में present है. ठीक है, जब मेरे सेल के पास अच्छे से पानी भर जाएगा, जो ये गार्ड सेल्स होते हैं, सपोज करो अभी लीफ बिल्ट हो रखी है, अभी पानी नहीं है, जैसे जैसे पानी भरेगा, गार्ड सेल्स, इन्हें हम बोलते हैं गार्ड सेल्स, इन दोनों को, गार्ड सेल्स के अंदर पानी जाएगा, जैसे जैसे गार्ड सेल्स के अंदर पानी जाएगा वो अपनी डिस्टेंडेड स्टेट में आएंगे, वो फूलना शुरू करेंगे. जैसे जैसे गार्ड सेल्स फूलना शुरू करेंगे, वैसे ही हमारे बीच में एक माइन्यूट ओपनिंग हो जाएगी. ये जो माइन्यूट ओपनिंग, दिन में क्या होता है, गार्ड सेल जैसे जैसे फूलते हैं स्टोमेटा ओपन हो जाता है. स्टोमेटा ओपन हो गया तो पहला प्रोसेस क्या होगा, ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर. वी हैव स्टार्टेड इन द प्रीवियस चैप्टर कि जैसे ही स्टोमेटा ओपन हुआ यहां से वाटर लॉस हुआ. ठीक है, अब
स्टोमेटा ओपन है, दिन का टाइम है, ट्रांसपिरेशन तो हो ही है, साइड बाय साइड फोटोसिंथेसिस भी अगर करेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस इज आल्सो अ प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम। तो जैसे ही फोटोसिंथेसिस अगर होगा तो फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करते हैं एटमोसफेयर में। तो स्टोमेटा ये ओपनिंग ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज फॉर इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ गया स्टोमेटा काम क्या होता है, पहला ट्रांसपिरेशन, दूसरा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में पहला कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक एंड आउटटेक रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है, यहां तक ये था ओपनिंग क्लोजिंग में। अब क्या होता है, टर्जिड स्टेट है अभी तक सेल की, दिन में वाटर लॉस हो गया, जैसे जैसे वाटर लॉस हो जाएगा वैसे वैसे सेल क्या होगा, गार्ड सेल्स का पानी लूज होता गया वो कौन से स्टेट में आ गया। अब गार्ड सेल्स हमारे जैसे जैसे ये हमारा स्टोमेटा, इट इज इन फुल्ली डिस्टेंडेड स्टेट, मींस ये टर्जिड स्टेट में है। इट्स द डे टाइम, डे टाइम में ट्रांसपिरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, वाटर लॉस हो गया। जैसे वाटर लॉस में जो गार्ड सेल्स हैं ये श्रृंखलन होते हैं, श्रृंखलन होते होते ये क्लोज हो गए, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा क्लोज हो गया और सेल जो है वो कौन से स्टेट में आ गए, अपने फ्लैसिड स्टेट में आ गए। क्लियर है अब, फ्लैसिड स्टेट मींस श्रंकित स्टेट ऑफ सेल, जैसे ही वाटर कंटेंट लूज हुआ, आयंस लूज हुए, वैसे ही सेल अपने श्रंकित स्टेट में आ गया। जैसे ही श्रंकित स्टेट में आया वैसे ही स्टोमेटा जो था हमारा क्लोज हो गया। क्लियर है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किस पर डिपेंड करता है, स्टेट ऑफ ए सेल। ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन द सेल इज इन अ टर्जिड स्टेट, सो गार्ड सेल्स वाटर गेट इन्फ्यूज इन द गार्ड सेल्स एंड द गार्ड सेल्स गेट ओपन थ्रू द स्टोमेटा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस एंड एक्सचेंज एंड गैसियस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस। आफ्टर दैट व्हेन द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस स्टॉप्स एट द नाइट, गार्ड सेल्स कम ऑन द स्टेट ऑफ फ्लैसिड एंड द स्टोमेटा गेट क्लोज्ड। दिस वाज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। क्लियर है, हिंदी में बस समझा दूं, सबसे पहले क्या होता है, जब सेल अपना टर्जिड स्टेट में होता है तो गार्ड सेल्स ओपन होते हैं, ओपन होते हैं तो स्टोमेटा खुला होता है, स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, वाटर लॉस हो गया, गैसियस एक्सचेंज हो गया ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का। फिर जैसे ही नाइट टाइम आया तो नाइट टाइम में सेल कौन से स्टेट में आ गया, फ्लैसिड स्टेट में आ गया, क्लोज हो गया, स्टोमेटा क्लोज हो गया। स्टोमेटा क्लोज हो गया तो मतलब ना ही फोटोसिंथेसिस होगा ना ही ट्रांसपिरेशन होगा। दिस इज द रीजन व्हाई ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस डू नॉट टेक्स प्लेस एट नाइट। ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस बोथ द प्रोसेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम। दिस वाज अबाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। होप द वीडियो इज हेल्पफुल, इफ देयर इज एनी डाउट देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, यू कैन